हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा के जो हमारा परिवेश बुक है क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक, उसकी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज का आज ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम क्लास 4 के जो हमारा परिवेश है उसके सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है ये यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा परिवेश क्लास 4 की बुक से लिया गया, ये पहला क्वेश्चन है कि चाक चलाने की छड़ी क्या कहलाती है। तो सही आंसर है इसका चक्रेटी। चाक चलाने की जो छड़ी है वो कहलाती है चक्रेटी। अगला क्वेश्चन है कि चाक रखने वाले गड्ढे को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है गुलबी। जहां पे चाक रखते हैं वो गड्ढा जो है वो कहलाता है क्या, गुलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखते हैं वह क्या कहलाता है। तो सही इसका आंसर है कुंडी। और अगला क्वेश्चन है कि चाक पर काम करते समय बर्तन को आकार किसके माध्यम से दिया जाता है। सही आंसर इसका है पिंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेती का कार्य करने वाले व्यक्ति को कृषक, किसान और किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर इसका है खेतियर। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जो है जो बुक है एनवायरनमेंट की, हमारा परिवेश क्लास 4 की, उससे लिए गए हैं। तो इनको आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इनके एग्जाम में पूछे जाने के जो चांस है वो काफी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सही आंसर है नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन के कार्यों से बचने वाले अनुपयोगी पदार्थ क्या कहलाते हैं। सही इसका आंसर है अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है कि कचरे को कितने समूहों में बांटा गया है। दो दो समूह में बांटा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कचरा प्रबंधन में कितने आर का प्रयोग किया जाता है। तो चार आर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चार आर है ये कौन कौन से हैं, रेड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कचरा प्रबंधन में कितने आर का प्रयोग किया जाता है। तो चार आर का प्रयोग किया जाता है, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो शरीर को ऊर्जा मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर को जो एनर्जी है जो वो मिलती है किससे, मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के निर्माण में सहायक है, क्या सहायक है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है, वसा से मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, विटामिन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इनको कि शरीर को ऊर्जा मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर के निर्माण में सहायक है क्या, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर को ऊर्जा मिलती है किससे, वसा से। और शरीर की रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, विटामिन की। सर्वाधिक प्रोटीन जो है ये किससे मिलता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है ये मिलता है किससे, सोयाबीन से। याद रखिएगा सर्वाधिक जो प्रोटीन है किस शाकाहारी भोजन से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। सही आंसर है मसूर की दाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो किस दाल से मिलता है, तो याद रखिएगा कि मसूर की दाल से। आज का अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल कब उगाई जाती है, नवंबर से मार्च। रबी की जो फसल है कब उगाई जाती है, नवंबर से लेके मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, तो अगस्त से अक्टूबर। इसको नवंबर में बोते हैं रवि की फसल को, और ये मार्च में तैयार हो जाती है। तो उसी प्रकार जो खरीफ की फसल है इसको अगस्त में बोएंगे, अक्टूबर तक ये तैयार हो जाएगी। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि गेहूं की फसल से अनाज किसके माध्यम से अलग करते हैं। सही इसका आंसर है थ्रेशर। गेहूं की फसल से अनाज जो है वो किस माध्यम से अलग करते हैं, थ्रेशर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी होती हैं। सही आंसर है एक। एक छत्ते में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खियां करती हैं। आंसर है श्रमिक मधुमक्खी। शहद का निर्माण जो है कौन सी मधुमक्खियां करती हैं, श्रमिक मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद के अलावा मधुमक्खी से और क्या प्राप्त होता है। तो सही आंसर है मोम। शहद के अलावा मधुमक्खियों से मोम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की तरह और कौन सा जीव मिलजुल कर रहता है। तो इसका सही आंसर है चींटी। मधुमक्खी की तरह जो और कौन सा जीव है मिलजुल कर रहता है, तो इसका जो सही आंसर वो है चींटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ के अलावा और किस जानवर से ऊन प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है बकरी। भेड़ के अलावा और कौन सा जानवर है जिससे ऊन हमें प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो है बकरी। और ऊन के उत्पादन में आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है मैरिनो, वो भी मिलती है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, सही आंसर है बकरी। ये भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है पश्मीना, तो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है किससे, बकरी से। और जो ये पश्मीना ऊन है इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, आज का अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था, सही आंसर है जौ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था, जौ का प्रयोग किया था। आज का अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, सही आंसर है कुत्ता। सबसे पहले जो है जौ का प्रयोग किया था अनाज में, और किस जानवर को पालतू बनाया था, तो याद रखेंगे कुत्ता। अगला क्वेश्चन है कि किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है, सही आंसर है केंचुआ। किसानों का मित्र किस जीव को कहते हैं, केंचुए को कहते हैं। अगला है कि ऊंट के कूबड़ में क्या एकत्रित होता है, सही आंसर है वसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंट के कूबड़ में क्या एकत्रित जो है वो होता है, सही आंसर इसका है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का शरीर कैसा होता है, तो मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित, जो उसको तैरने में सहायता करता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ पर पाए जाने वाले रोएं क्या कहलाते हैं, सही आंसर है मूल रोम। पौधों की जड़ पर जो पाए जाने वाले रोएं हैं वो कहलाते हैं मूल रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का वह भाग जो मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों फिर से सुन लीजिए कि पौधों की जड़ पर पाए जाने वाले रोएं जो है कहलाते हैं मूल रोम, और यही जो जड़ है इसके माध्यम से पौधे जो है वो जमीन पर जो है वो स्थिर रह पाते हैं। और पौधों का वह भाग जो मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को शोषित करता है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के सभी भागों तक किसके माध्यम से पहुंचता है, सही आंसर है तना। पौधों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है, पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया जो भोजन है, ये पौधे के जो अन्य भाग हैं वहां तक पहुंचता है पत्तियों के तने के माध्यम से, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भोजन बनाता है कौन, पत्तियां, और सभी भागों तक पहुंचाता है कौन, तना। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, सही आंसर इसका है पर्ण हरित। क्लोरोफिल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, पर्ण हरित के कारण। हिंदी में भी याद कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है, सही आंसर है कैरोटीन। तो पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और आपको पता है कि गाय के दूध का रंग भी पीला होता है किस कारण, कैरोटीन के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा चपटा भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पर्ण फलक। पत्तियों का जो हरा चपटा भाग है ये कहलाता है क्या, पर्ण फलक। अगला क्वेश्चन है कि पर्ण फलक पर पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं, सही आंसर है पर्ण रंध्र। पर्ण फलक पर जो पाए जाने वाले छिद्र हैं ये कहलाते हैं पर्ण रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस क्रिया के माध्यम से बनाते हैं, तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पीकरण की क्रिया किसके द्वारा होती है, सही आंसर है पत्तियों के माध्यम से। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है कि फूल की सबसे बाहरी हरी पंखुड़ियों को क्या कहा जाता है, सही इसका आंसर है बाह्यदल। फूल की जो सबसे बाहरी हरी पंखुड़ियां हैं ये कहलाती हैं बाह्यदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि फूल की रंगीन पंखुड़ियों को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर है दल। फूल की जो रंगीन पंखुड़ियां हैं वो कहलाती हैं क्या, दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल की पंखुड़ियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, ये फल नहीं ये फूल है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो फूल की जो पंखुड़ियां हैं उसके बीच के भाग को कहलाता है, बीच का भाग जो है वो कहलाता है क्या, पुंकेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल के मध्य में स्थित कीप जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, सही आंसर है स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सही आंसर है सदाबहार वन। पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं कैसे वन, पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश से क्या बनाया जाता है, तो सही आंसर है रंग। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प, इसका यूज करते हैं क्या बनाने में, रंग बनाने में। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो कुंभ मेले का आयोजन चार जगह होता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, याद रखेंगे। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ का किया जाता है, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है बिहार में,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ये आपके एनवायरनमेंट के जो हमारा परिवेश बुक है क्लास फोर की उसमें दिए हुए हैं। तो ये जिनके पास किताबें नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ये जो क्वेश्चन हैं उनको लर्न कर सकें और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इनमें से क्वेश्चन, तो आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जरूर हो जाएगा अगर आप इनको सही से याद करते हैं। तो क्लास फोर से लेकर क्लास एट तक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से ही, उसका ये पहला वीडियो है, तो प्लीज़ सभी वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है राजस्थान में, याद रखेंगे, ठीक है ना। कुंभ मेला होता है कहां? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। सोनपुर मेला होता है कहां? बिहार। पुष्कर मेला होता है कहां? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवा शरीफ मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो सही आंसर है इसका बाराबंकी। जो देवा शरीफ मेला है इसका आयोजन होता है कहां? बाराबंकी में। अगला क्वेश्चन है कि नौचंदी के मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो सही आंसर है मेरठ, याद रखिएगा। नौचंदी का मेला होता है कहाँ? मेरठ में। तो फ्रेंड वैसे तो मेले जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मेले मैंने आपको इस वीडियो में बताए ये वो हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं, जो क्लास फोर की बुक है उसमें दिए हुए हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मार्च। विश्व जल दिवस है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातलीय जल स्रोतों में मुख्य है, जो पानी होता है भूगर्भीय जल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो है नदी, याद रखिएगा। धरातलीय जलों में जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? नदी। भूगर्भीय जल हम लोग उसको बोलते हैं जो जल पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो जमीन के नीचे से आता है उसको बोलते हैं भूगर्भीय जल, और धरातलीय जल जो यानी कि पूरी धरती पर है, ठीक है ना। तो सबसे मुख्य जो स्रोत है जो यूज में पानी लिया जाता है वो लिया जाता है किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से। समुद्र का जो जल होता है वो खारा जल होता है, तो इसलिए उसका पीने में या फिर नहाने अन्य जो कार्यों में कम यूज किया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है क्लोरीन। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भूगर्भीय जल के प्रदूषक हैं, तो भूगर्भीय जो जल है यानी कि वो जल जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसके जो मुख्य प्रदूषक हैं वो हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगर्भीय जल के मुख्य जो प्रदूषक हैं वो हैं क्या? आर्सेनिक और फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पन सर्वाधिक तेजी से कब होता है? तो होता है अधिक ताप पर। वाष्पन जो है सर्वाधिक तेजी से होता है कब? अधिक ताप पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द्रव की स्थिति का फैलाव, द्रव का जो है फैलाव अधिक होने पर जो है क्या होता है? वाष्पन होता है कैसा? अधिक तेजी से। तो जो द्रव है अगर उसका सतह पर जो है फैलाव अधिक होगा तो वाष्पन कैसा होगा? अधिक तेजी से। यहाँ पे आप सतह कर लीजिएगा, ये करेक्शन है थोड़ा सा, कि द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने से वाष्पन होता है कैसा? अधिक तेजी से। नेक्स्ट है कि वर्षा के दिनों में, वर्षा की दिनों के अपेक्षा वाष्पन अधिक होता है, तो वर्षा के दिनों की अपेक्षा वाष्पन अधिक होता है कब? शुष्क दिनों में। तो वर्षा के दिनों की अपेक्षा जो वाष्पन है वो शुष्क दिनों में ज्यादा होगा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं संघनन। जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की जो क्रिया है ये कहलाती है क्या? संघनन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वाष्प किस माध्यम से ठंडी होकर जल की बूंदों में बदल जाती है? तो सही आंसर है संघनन। जो वायुमंडल की वाष्प है ये संघनन के माध्यम से ठंडी होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है संघनन पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर है ताप। संघनन पर किसका प्रभाव पड़ता है? ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर जो है ताप अधिक होगा तो संघनन जो है वो कम होगा, और ताप जो है अगर कम होगा तो संघनन अधिक होगा, याद रखिएगा। संघनन पर प्रभाव पड़ता है किसका? ताप का। ताप अधिक है तो संघनन कम है, और ताप कम है तो संघनन क्या है? अधिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है कि बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन होता है, कैसा होता है? अधिक होता है। अगर बड़ा पृष्ठ क्षेत्र है तो संघनन कैसा होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र का जल किस रूप में वायुमंडल में जाता है? सही आंसर है जलवाष्प। जो समुद्र का जल है ये जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि आनंद भवन एवं स्वराज भवन कहाँ स्थित हैं? तो सही इसका आंसर है इलाहाबाद। जो आनंद भवन है और स्वराज भवन है ये स्थित है इलाहाबाद में। जो इलाहाबाद है इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? सही आंसर है इलाहाबाद। जो जवाहर नक्षत्रशाला है स्थित है कहाँ? इलाहाबाद में। आज का अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी कहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो सही आंसर है मथुरा। जो बांसुरी है कहाँ का मुख्य यंत्र है? कहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र है? याद रखेंगे मथुरा का। आज का अगला क्वेश्चन है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है मथुरा। द्वारकाधीश जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, स्थित है कहाँ? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, राप्ती नदी के किनारे, याद रखिएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है।
आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो है ये किस संग्रहालय में रखा गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये रखा गया है कहाँ, सारनाथ में। याद रखेंगे सारनाथ का जो संग्रहालय है वहां पे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। सही आंसर मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पंचमहल एवं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो पंचमहल है। उसके अलावा जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है ये स्थित है कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि रसिया गायन शैली का संबंध है, कहाँ से संबंध है इसका, मथुरा से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो रसिया गायन शैली है इसका संबंध है कहाँ से, मथुरा से। फ्रेंड जो लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के और जो उत्तर प्रदेश की लोक कलाएं हैं और लोक नृत्य जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जो है स्थान हैं मेले हैं, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो जो है वो बना के जो है वो अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें सभी जो डिटेल्स हैं उत्तर प्रदेश की वो आ जाएंगी। इसमें इस वाले वीडियो में सिर्फ वही डिटेल्स हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं। इसमें मैंने अलग से आपको बहुत ही कम एक दो क्वेश्चन बताए हैं, बाकी सब वही क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग की है। तो सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो लंबाई है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग की है, आंसर इसका है 2। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद और किस स्थान के मध्य में स्थित है। तो सही आंसर है हल्दिया। याद रखेंगे कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है उसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और ये इलाहाबाद से लेके हल्दिया के मध्य में स्थित है और जो हल्दिया है ये है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने भाग हैं। तो 3 भाग हैं, एक है ग्राम पंचायत, फिर है क्षेत्र पंचायत और फिर है जिला पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था के कितने भाग हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आज का अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है, याद रखिएगा हिमालय पर्वत स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो फ्रेंड ये जो वीडियो है इसमें आज के लिए इतने ही प्रश्न है और ये क्लास 4 के जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास।